बेटा सुबह हो गई, उठ जाओ। तुम्हें देर हो जाएगी। ओ नहीं, मेरी स्कूल। ओफो, मुझे बहुत देर हो गई है, कितना लेट हो गया है। मॉम, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अलार्म भी नहीं बजा। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँगी? एक मिनट, लेकिन स्कूल तो नहीं है, अभी तो समर वेकेशन है। मॉम, ये फनी नहीं है। मुझे तो फनी लगा। मैं फिर से सोने जा रही हूँ। तुम रात में देर तक क्यों जाग रही थी? मैं पढ़ रही थी। फेरी, कहानी या फिर सच? बेवकूफी का सब्जेक्ट। ये बेवकूफी नहीं है मॉम। खैर, अब स्कूल बंद है तो मेरी शॉप पर आकर हेल्प करो। ओ नहीं मॉम। गुड मॉर्निंग बच्चे। कैट, मुझे अपना समर वेकेशन मॉम की शॉप में नहीं बिताना है, मुझे दोस्तों के साथ कहीं और जाना है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो जहाँ मर्जी वहाँ जाना। और बड़े कितने साल में होते हैं डैड? मैं 16 साल की हो गई हूँ। सिर्फ 16 साल की हो, इसलिए तुम मेरे लिए अभी भी बच्ची हो। डैड, आगे बोलिए। देखो, कुछ हफ्तों में हम सब हर साल की तरह इस साल भी एक साथ बीच पर जाएंगे। मुझे आपके साथ पुराने बीच पर नहीं जाना है, मुझे स्पेशल जगह जाना है। किसी स्पेशल जगह? हाँ, तो उस जगह जाने के लिए तुम्हारी सवारी बाहर है। मॉम, डैड, सच्ची? ओह, ये क्या? क्यों, अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है, थैंक्स। देखा वैनेसा, खुशी के बारे कुछ बोल नहीं पा रही। हाँ, कुछ ज्यादा ही हैरान, क्योंकि वो कुछ और उम्मीद कर रही थी। गियर वाली साइकिल? साइकिल नहीं, कार। वो अभी भी एक फेरी बनना चाहती है। हाँ, 16 साल की है, छोटी बच्ची नहीं है। ओके किको, ज्यादा दूर मत जाना। क्या बात है किको? ठीक है, ठीक है। राइजिंग सन, सोलर विंड। मैं हूँ स्टेला, फेरी ऑफ द शाइनिंग सन। पीछे हटो। नन्ही परी, मुझे पता है तुम कौन हो। घोस्ट, इसकी छड़ी ले लो। अब बताओ कितना शाइन कर रही हो। उसे छोड़ दो। पकड़ लो उसे। पीछे रहो। वाह, ये क्या किया मैंने? किको को छूना भी मत। अब बताओ लड़की। छोड़ो मुझे। वाओ, तुम अच्छे पन जानती हो। अच्छा, कौन जानता है। Hey, thanks. Oh, no problem. मैं तुमसे फिर मिलूंगा परी। ओ नहीं, ये तो बेहोश हो गई। किको, चलो इसे घर ले चलते हैं। मोटे ओर्गे, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो। आई एम सॉरी योर स्केरीनेसेस। मैंने सच में बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुपर पावर वाली परी थी। सच में सुपर पावर वाली परी? आगे बोलो। ब्लूम, मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे फिर से बताओ क्या हुआ। हम पार्क में थे, बड़े से मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया, इसने जादू से उसे भगा दिया।
पर मैंने भी जादू किया। ब्लूम तुम क्या बोल रही हो, मुझे लगता है हमें पुलिस बुलाकर इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। कलर अच्छा है, अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ, हेल्प करने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, तुम यहाँ सेफ हो। ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैं ब्लूम हूँ। और हम तुम्हें क्या बुलाएं? मेरा नाम स्टेला है, लेकिन मैं यहाँ की नहीं हूँ। आपने मैजिक ग्रह का नाम सुना है? ये दूसरे गैलेक्सी में है। मैं सोलारिया की राजकुमारी हूँ और शाइनिंग सन की परी। तो मुझ पर ओगर और घोल ने हमला किया था, तो मैं बेहोश हो गई और यहाँ आ गई। डॉक्टर की जरूरत है, इसका दिमाग हिला हुआ लगता है। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। क्या अब यकीन आया? मुझे तुम पर यकीन है स्टेला। तो मैं कह रही थी, मुझ पर उन मॉन्स्टर्स ने हमला किया था और फिर आपकी बेटी पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझे बचा लिया। दरअसल मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया। एक परी को ये सब जानने की जरूरत नहीं होती, बस वो कर देती है। मैं और परी? मैं तो यही कहूँगी, अगर तुम एक परी की तरह एनर्जी शील्ड बना सकती हो और एक मॉन्स्टर को मारकर भगा सकती हो तो तुम जरूर एक परी हो। दोनों पागल हो गए हैं, ये परी कहती है अपने आप को। ओह तुम्हारा रूम बहुत अच्छा लगा। ओह ये सब तुमने बनाया है? हाँ कह सकती हो। मैं ज्यादा ही नाक घुसा रही हूँ ना? हाँ अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्टेला, बस पता नहीं आज मुझे अजीब सा लग रहा है। काश मैं यकीन कर सकती कि मैं परी हूँ। तो यकीन कर लो, क्योंकि जरूरत के वक्त तुमने अपने पावर को बुलाया था। ये पावर हमेशा से तुम्हारे पास था, बस तुम्हें पता नहीं था। इसके लिए तुम्हें फोकस करना होता है। ओके ब्लूम, चलो अब तुम कोशिश करो इन्हें वापस असली शेप में ले आओ। तुम कर सकती हो। मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हें बस ट्रेनिंग की जरूरत है और इसके लिए सबसे बेस्ट जगह है अल्फिया परियों का स्कूल। मैं वही चाहती हूँ और तुम भी जाओ। अल्फिया कहाँ है? वो मैजिक ग्रह पर है, सारे जादुई जीवों और परियों का घर, तुम्हारी जैसी परियों का भी। मुझे उनकी स्मेल मिल गई। दो परियां यहाँ हैं। हम उन दोनों को देख लेंगे। अजीब बात है, स्टेला कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है और ये बात तो तुम भी जानते हो। वो जादुई है और हो सकता है हमारी ब्लूम भी। अभी खेल नहीं सकता क्योंकि हम बिजी हैं। हे, क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? चलो बताओ वो दोनों छोटी परियां कहाँ हैं? मुझे ढूंढ रहे हो? क्या? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मोटे। लाइट ऑफ बुला रही है। अरे क्या हो? पकड़ो उन्हें। ब्लूम ये ज्यादा है, इन्हें सेपरेट करना होगा। गोल चलो मेरे साथ बाहर चलो। ए, क्या तुमने मुझे अभी मोटा कहा? मोटा नहीं तो क्या मॉडल कहूँ? ये क्या? ओ किको। चलो चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है, इन्हें तो मैं देखती हूँ। बस हो गया। तुमने पकड़ लिया, चलो अब इसे जेल में डाल देते हैं। रिलैक्स, ये पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। मैं तो पूरी तरह रिलैक्स्ड हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। मेरे पीछे रहो। स्काई संभालो। माफ करना लेडीज,
मैं जरा बिजी हूँ। हटो मेरे ऊपर से। इस तरह से ओगर को हराया जाता है। वाह, मैं ये सच में कर सकती हूँ। मैंने तो कहा ही था। सत्यानाश। फाइनली दिमाग खराब कर रखा था। ब्लूम, तुम्हें खास लोगों से मिलवाती हूँ। रिविन, ब्रैंडन, हाय, टिमी, हाय, और राजकुमार स्काई। हेलो। हे तुम, अब कहाँ जा रहे? लो, आ गया पकड़ में। फिर मिलते हैं गाइस। करती हूँ, मैं जादू से सब ठीक कर सकती हूँ। थैंक्स स्टेला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने तरीके से ये कर लूँ। ब्लूम तैयार है? पक्का तुम ये करना चाहती हो बेटा? हाँ डैड, मुझे अपने पावर को इस्तेमाल करना सीखना है, एक परी बनना है। मैं जानता हूँ, पर हमें अल्फिया कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। सच में? ठीक है। जब तक हम उस मैजिकल डिमेंशन के बारे में सब जान नहीं जाते, तुम नहीं जा सकती। स्टेला, क्या हम सब जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैं सबको ले जा सकती हूँ। रेडी? रेडी। तो चलो चलते हैं टू अल्फिया। अरे बाप रे, ये तो सच में एग्जिस्ट करता है। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ब्लूम, वो अल्फिया कॉलेज है। चलो चलते हैं। मैं जरा नजदीक से सब कुछ देखना चाहता हूँ। हे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई अदृश्य दीवार है। अजीब बात है। सच में कहाँ है दीवार? मैं तो अंदर जा सकती हूँ। और कीको भी आ गया। सेला, क्या ये तुमने किया है? नहीं ब्लूम, ये यहाँ का प्रोटेक्शन बैरियर है। जिसके अंदर जादू नहीं है वो अल्फिया के अंदर नहीं आ सकता। आई एम सॉरी, अब आप और आगे नहीं जा सकते। मॉम, डैड, विदा लेने का टाइम आ गया है। मेरी बच्ची, ठीक से पढ़ना ब्लूम, और याद रखना जो भी हो जाए तुम कभी भी घर आ सकती हो। कीको, तुम इसका ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए, ये अच्छी जगह है। अब हमें चलना होगा ब्लूम। जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर मिलने आऊंगी। ओके, आप तैयार हैं? हिलिए मत। रिंग ऑफ सोलारिया, आपकी यात्रा शुभ हो। हम पहुंच गए अल्फिया कॉलेज में। ये तो कमाल की जगह है। ओ, मुसीबत, ये है ग्रिजेल्डा। रुको लड़की, कौन हो तुम और इस तरह मुंह उठाए कहां जा रही हो? ग्रिजेल्डा, तो तुम्हें हमारी नई स्टूडेंट मिल गई। ये है ब्लूम, ये हमारे फ्रेश बैच की स्टूडेंट है। पर इसका नाम मेरी लिस्ट में नहीं है मैडम फेरेगोंडा। पर मेरी लिस्ट में है ग्रिजेल्डा। तो ब्लूम और बाकी स्टूडेंट्स का स्वागत है अल्फिया कॉलेज में। तो ये रहा तुम्हारा नया घर। कुछ सालों के लिए, जब तक तुम यहाँ रहकर अपने जादू की ताकत को जानना, समझना और इसे इस्तेमाल करना नहीं सीख जाती, तब तक फेरी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। मैं तुम सबको जानना चाहूँगी और तुम्हारी काबिलियत को भी। अब तुम आ गई हो मैजिक की दुनिया में। यहाँ बहुत अच्छे अनुभवों के साथ तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना होगा। क्लाउड की बुरी जादूगरनियों से दूर रहना।
अब ये यही कहने वाली है खुद को क्लाउड टावर की जादूगरनियों से दूर रखना। तो गर्ल्स अब तुम कल सुबह तक फ्री हो, अपने रूम्स में जाकर आराम करो। गुड लक गर्ल्स, मैं तुम सबसे कल मिलूंगी। और हाँ, क्लास ठीक 8 बजे होगी, टाइम पर पहुँच जाना। मैडम फरागोंडा अच्छी है, लेकिन ग्रिजेल्डा, ओह हे, ये क्लाउड टावर क्या है? मैजिक ग्रह पर 3 स्कूल्स हैं, हमारा अल्फिया उनमें से एक है। रेड फाउंटेन स्पेशलिस्ट लोगों का कॉलेज है, याद है उस दिन वो लड़के? उनके हेडमास्टर है सलाडिन। और तीसरा स्कूल है क्लाउड टावर, वो चुड़ैलों के लिए है जिसे मैडम ग्रिफिन चलाती है, और वहाँ के कुछ चुड़ैले बहुत बुरी है। हे देखो, हम एक ही अपार्टमेंट में हैं, मजा आ गया। मुझे लगता है वो मेरा रूम है। तुम्हारे पास खुद का रूम है? लगता है ये मेरा रूम है। ओह सॉरी। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, मैं फ्लोरा हूँ, लगता है हम रूममेट्स हैं। और ये है मेरा टॉकिंग प्लांट, ये एक जादुई प्लांट है। ओके, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस जादुई प्लांट को सेटल हो जाने देती हूँ। ऐसे तो बेवकूफ लोग चलते हैं। मैं हूँ टेक्ना। हाय टेक्ना, मैं स्टेला हूँ। और मैं फ्लोरा। हे, क्या तुम में से कोई मेरा रूममेट है? मैं हूँ म्यूजा। हे, भूख लगी है, हम डिनर के लिए मैजिक सिटी जा सकते हैं। कूल, हम एक दूसरे को जान सकेंगे। कोई पिज्जा खाएगा? हाँ पिज्जा। पिज्जा क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पिज्जा, जब हम मैजिक जाएंगे तो मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगी और बताऊंगी मैं ठीक हूँ। हेलो ब्लूम। हाय माँ, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्फिया कॉलेज बहुत अच्छा है, और मैं स्टेला के साथ और 3 लड़कियों के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही हूँ। नहीं, कल से पढ़ाई शुरू हो रही है, आप चिंता मत कीजिए, फोन करती रहूँगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। अच्छा मॉम, अब मैं रखती हूँ, आपको ढेर सारा प्यार, और मेरी तरफ से डैड को किसी देना। ओके ये तो उग्र है जिसने गार्डेनिया में हम पर हमला किया था। हे, ये मेरी फ्रेंड्स का पीछा क्यों कर रहा है? कहाँ गया? देखती हूँ। क्या हुआ मिली वो? नहीं मैडम, भयानक चुड़ैल, पर मैंने दूसरी परी को देखा। चुड़ैल है? हम पर कोई नजर रख रहा है। मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। सामने से हटो मोटे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और अब मैं गायब हो जाती हूँ, मेरी कॉपी यहाँ रहेगी। हाँ अब देखा, सरप्राइज। हमारा ये छोटा सा जोक कैसा लगा? अपने पीछे देखो। हाय, मैं एक परी हूँ, मुझसे दूर रहो। ओह प्लीज, तुम इसे जादू कहती हो? आईसी कहती है ये है जादू, और डार्सी इसे जादू कहती है। ओ नहीं। और स्टॉर्मी का जादू ये है। अरे ब्लूम कहाँ गई? एक कॉल करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। मुझे तुम्हारा इस तरह लटकना अच्छा नहीं लग रहा, तो आओ नीचे आ जाओ और चिलैक्स। तो तुम परी हो और हम हैं ट्रिक्स।
हे, हमारी फ्रेंड को अकेला छोड़ दो। अच्छा नट, हमला करो। अरे नहीं, म्यूजा म्यूजिक की परी, मैं हूं टेक्ना टेक्नोलॉजी की परी। किसी काम का नहीं। बेवकूफ परियों, तुमने मुसीबत को खुद बुलाया है। मेरे पीछे छिप जाओ। फायरवॉल। सिस्टर्स, मैं देखती हूँ इनको। मैं इनका खेल खत्म करती हूँ। आओ गर्ल्स, चलो निकलते हैं। वो सब भाग गई। और फिर पेरिस के कॉलेज अल्फिया में। थैंक यू दोस्तों, मुझे उन चुड़ैलों से बचाने के लिए। वो चुड़ैलें खुद को ट्रिक्स कहती हैं। हमारा नाम होना चाहिए द स्टेला टीम, द स्टेला फाइव। अरे मिल गया, द स्टेला रीड। द क्या? हे, फेरिस के साथ राइम हो रहा है, इसमें गलत क्या है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ना, ये तो एकदम बेकार है। द विंग्स कैसा रहेगा? मेरा वोट विंग्स के लिए। मेरा भी। विंग्स का मतलब क्या है? कुछ नहीं, बस हम द विंग्स। गर्ल्स, ये अल्फिया कॉलेज की पुरानी परंपरा है कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स एक चैलेंजिंग काम पूरा करेंगी, और वो भी बिना जादू का इस्तेमाल किए। तो मैंने तुम्हारे लिए एक खास टास्क तैयार किया है, जहां बाकी लड़कियां बाहर घूमने फिरने जाएंगी, तुम सब स्कूल में रहकर ऊपर से नीचे तक पूरे कासल की सफाई करोगी। समझ गई तुम? क्या, पूरे कासल की? नहीं, सिर्फ सीढ़ियाँ, गैलरीज, क्लासरूम्स और बाथरूम्स। ओह, कोई बात नहीं, मुझे तो लगा था कोई बड़ा काम होगा। जैसे मैंने कहा, तुम जादू का इस्तेमाल नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें इनके सहारे सफाई करनी होगी। गर्ल्स, ये कितने अजीब से टूल्स हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि तुम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर गई गान से टेकना। मजाक नहीं है, हंस क्यों रही हो? तो गर्ल, कल सुबह आकर मैं चेक करूंगी, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। चलो जाओ। मैं बताऊँ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पक्का जानती हो? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें पक्का मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए? हाँ, मुझे हालात संभालने आते हैं फ्लोरा, डोंट वरी।
देखा? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। आप मुझे हेल्प करने दोगी? काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। हाँ कब का हो गया होता अगर सबने हेल्प की होती तो। लेकिन फर्श तो तुम्हें भी साफ करना था ना? नहीं तुम करने वाली थी। हे मैं अपने नेल्स नहीं तोड़ सकती। लेकिन हम अपने तोड़ लेना। मैं राजकुमारी हूँ। तो क्या हुआ? मैं सफाई नहीं करती। छोड़ो इसे, हम अपना काम खत्म करते हैं। मेरे बिना भी तुम लोग अच्छा कर रही हो। ये गलत है, तुम्हें सिला के हिस्से का काम नहीं करना था। वह किसी को तो करना ही होगा। हे तुम क्या कह रही थी स्टेला? ये अच्छा था ब्लूम। हाँ लेकिन बताओ ये कैसा है? वो क्या हुआ यहाँ? टोर्नेडो आया था? ओ हम लोग कुछ खास कर रहे थे राइट? है ना? हाँ, कुछ खास। क्या है ये सब? ये सफाई कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम सफाई के लिए लड़कों की मदद ले तो? हाँ क्यों नहीं, और उसके बाद हम पकड़े जाएंगे और हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो जाएंगे। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, वो सफाई में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये तो धोखा देने वाली बात हुई। ग्रिसाल्डा ने जादू करने से मना किया है, गैजेट से मना किया है, इंसानों की मदद लेने से मना किया है। ऑफ कोर्स, और सफाई के बाद हम लोग पार्टी कर सकते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया है। हाँ सच्ची। हाँ मेरी फिलॉसफी ये है कि म्यूजिक हर बात को बना देती है, चाहे वो फर्श साफ करने की बात क्यों ना हो। यहाँ तो पार्टी होने वाली थी ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ही हम सफाई खत्म करेंगे पार्टी शुरू हो जाएगी। ये लो। ये रेवन, चलो शुरू हो जाते हैं। तो चलो अब ये सफाई पार्टी शुरू करते हैं। तुम सपने देखो। सब ठीक से हो गया ना? हाँ सब कुछ हो गया, और पता चला ब्रैंडन साफ सफाई में अच्छा है। तो तुम्हारे और राजकुमार स्काई के बीच में क्या चल रहा है? नहीं कुछ भी तो नहीं। तुम शर्मा क्यों रही हो? यही तो टाइम है उसे ठीक से जानने का। अरे तुमने तो कहा था स्कूल खाली है। लगता है मुझसे गलती हो गई। हाँ बेवकूफ परियां। मेरे साथ डांस करना चाहोगी टेक्ना? नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नाचना अजीब लगता है। ओह अच्छा, फिर तो तुम मेरे जैसी ही हो। मुझे भी नाचना नहीं आता और बड़ा अजीब लगता है। टिमी तुम तो बिना नाचे भी बहुत अजीब लगते हो। ये काफी क्यूट है ना? हाँ हाँ होगी। चलो वैक्यूम को बुलाते हैं। वैक्यूम? पर क्यों? उसे तो दूसरों की जमा की हुई एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ और वो एनर्जी मुझे यहाँ इस स्कूल में महसूस हो रही है। वैक्यूम। यहाँ से चलो, वैक्यूम हमें उस एनर्जी तक ले जाएगा। सिस्टर्स हम इस सारे कैसल को ढूंढेंगे, लेकिन वो परियां कहीं ना आ जाएं। हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करने। ब्रैंडन तुम क्या मुझसे घबरा रहे हो? अरे ये पूरा फूल हिल रहा है। ये क्या है? आवाज बाहर से आ रही है, शायद किसी ने टीवी ऑन छोड़ दिया है या कोई और बात है। नहीं।
इधर से विंग्स, कम ऑन। ऐसा किस तरह का जीव कर सकता है? कोई बड़ा और भयानक जीव। ओह गॉली, मैं तो गेस नहीं कर सकता। वो 8 फीट से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है और लगभग 1 टन का है। उसके फर जैसे बाल है और कई उंगलियों वाले पंजे, साथ ही उसमें सीलन वाली बदबू है। और कुछ जानना है तुम्हें? कमाल कर दिया टेक। ओके, ये क्या था? किस बात का इंतजार है? चलो चले, चलो चलते हैं। इस तरफ से हम भी आ रहे हैं। नहीं, तुम लोग यहीं रुको नन्ही परियों, ये तुम लोगों का काम नहीं है। ये क्या कह रहा है? वैक्यूम इधर जा रहा है। हे टिमी, जरा रोशनी करोगे? हाँ क्यों नहीं। वो उधर से गया है। हाँ आओ इधर से चलते हैं। पता है मैं किसी अजीब चीज से टकरा गई। ये कितना गंदा है स्टेला, हमारे पास पावर नहीं है। यहाँ से बदबूदार राक्षस हो, तुम्हें फ्रेशनर की जरूरत है। ग्रेट, तुमने उसे और गुस्सा दिला दिया। शायद कोई दूसरी खुशबू। मैं इसको अभी मजा चखाता हूँ। चलो साथ में निपटते हैं इससे। क्यों? मैंने इसे संभाल लिया है। रिवेन। वो। ये देखो हमें कौन मिला। क्या बात है, इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स है, बिल्कुल हमारे जैसा। क्या कहती हो? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और टाइम बर्बाद मत करो। मुझे लगता है ये हमारे लिए काम का हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। हमें कुछ करना होगा। ये मॉन्स्टर मार मार के उनका भरता बना रहा है। हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। देखो मुझे क्या मिला। हाँ? और मुझे पता है इसका क्या करना है। हे मॉन्स्टर, यहाँ आओ। हम यहाँ हैं। रेडी हो? हाँ बिल्कुल। ये है क्या? कितना गंदा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आया कहाँ से है, और क्या पता ऐसे और भी होंगे। तो हमें पता करना होगा यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि ये ट्रिक्स का हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। चलो मैडम फेरागोंडा के ऑफिस चलते हैं, हमने उनके क्रिस्टल बॉल में देखा तो सब पता चल जाएगा कि एल्फिया में क्या चल रहा है। पर ये सही नहीं होगा, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए। सही कहा, ये अनुशासन के खिलाफ है। हाँ लेकिन इस समय तो हमें ही कुछ करना होगा स्कूल को बचाने के लिए। हमें मैडम फेरागोंडा के ऑफिस में जाना ही होगा। मुझे सही नहीं लग रहा। हम नजदीक पहुंच रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। अगर एक और मॉन्स्टर हुआ तो अब हम क्या करेंगे? चलो छिप जाते हैं। अजीब बात है, वैक्यूम बता रहा है कि सबसे बड़ी एनर्जी इस कमरे में है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब हमें हर कोना हर जगह को ढूंढना होगा, तब तक जब तक कि हमें वो एनर्जी मिल नहीं जाती। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हेलो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछने जा रही थी। कुछ देर पहले तक तो ये मेरा ऑफिस हुआ करता था ना? I'm sorry मैडम, लेकिन हम समझा सकते हैं। मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगी स्काई। मुझे तो तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगी। यहाँ एक यादगार शाम। ओह हाँ। अगली बार जब तुम लड़कियां पार्टी करना तो मुझे मत बुलाना। ठीक है। गुड नाइट बैंग्स। बाय ब्रैंडन, बाय। मुझे डायरेक्टर सालादिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके स्टूडेंट्स ने आकर हमारी इतनी हेल्प की। और तुम तीनों विचेस जरा ध्यान से सुन लो, तुम्हारी इस तरह की हरकत को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझी तुम? मैं अभी के अभी मिस ग्रिफिन से बात करने वाली हूँ और तुम्हें अच्छा सबक जरूर सिखाया जाएगा। गुड बाय गर्ल्स। और अब तुम्हारी बारी। तो गर्ल्स, मैंने हालात को बारीकी से देखा, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आज की शाम ने ये बता दिया है कि तुम लोग किसी भी हालात को अपनी सूझबूझ से बिना जादू के मैनेज कर सकती हो, इसलिए तुम्हारी पावर्स लौटा रही हूँ। इसे तुम सब अपना इनाम समझो गर्ल्स। अगली सुबह फेरीज के कॉलेज अल्फिया में ब्लूम ब्लूम। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? ये मैं हूँ। तुम्हें याद हूँ मैं? तुम्हें मेरी आवाज याद है? कौन कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? ब्लूम मेरे पास आओ। कहां? मेरे पास आओ। कहां हो तुम? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास आओ, याद करो। याद? मुझे क्या याद करना है? क्या क्या याद करूँ मैं? यही कि आज हमारा क्लास का पहला दिन है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? नहीं, मैं ठीक हूँ फ्लोरा, थैंक्स। आज का दिन बहुत बड़ा है। आज की ट्रेनिंग एक चैलेंज है, पता है? मैं तैयार हूँ, बस मेरी विश है कि मैं अपने पावर यूज कर सकूँ, परी बन सकूँ। सब ठीक होगा ब्लूम, तुम्हें जब भी पावर की जरूरत होगी वो तुम्हारे पास होगी। मैं आ रही हूँ फ्लोरा। हाँ तो लड़कियों, चलो अब जादू का अभ्यास शुरू करते हैं। इस टास्क में आपको अंदाजे से किसी चीज पर जादू करना होगा, तो कौन आएगा सबसे पहले? स्टेला, तुम हमेशा पहले जाना चाहती हो ना? इस बार नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉलंटियर चुनता हूँ। ब्लूम, तुम अपने हिसाब से वातावरण चुन सकती हो। मुझे लगता है कोई खाली सुनसान जगह, एकदम सुनसान सी जगह। ओके, एक जगह है जिसका नाम है डोमिनो। अब याद रखना, तुम्हारा टास्क इस जगह को बेहतर बनाना है। जैसे ही तुम इस ट्रेनिंग रूम के अंदर जाओगी, तुम्हारे पास डोमिनो आ जाएगा। तो क्या तुम रेडी हो? हाँ। ओह, मेरा बैकपैक, मैं इसे साथ ले जा सकती हूँ? जिसकी जरूरत हो ले जा सकती हो। तो ये रहा ब्लूम, तुम्हारे पास 30 मिनट्स हैं। मैं कंप्यूटर रूम से कंट्रोल करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक। तुम बहुत अच्छा करोगी। हैव अ गुड टाइम। कोई गड़बड़ मत करना। ये किस तरह का विश है? सबसे बेवकूफी वाला। थैंक्स विंग्स, सी या। वाओ। ओह, मैं परी बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कीको, तुम यहाँ कैसे आ गए?
चलो एक अच्छे बनी बन के रहना, मुझे यहाँ बहुत काम है। समझ गई। मैं कुछ सीड से शुरू करती हूँ और देखती हूँ इन्हें उगा सकती हूँ या नहीं। दूसरी ओर क्लाउड टावर विचेस के कॉलेज में। तो सिस्टर्स चलो परियों की ट्रेनिंग क्लास में चलते हैं और देखते हैं जिस एनर्जी और पावर को हम खोज रहे हैं क्या वो उन परियों में है। वैक्यूम हमें पावर की तरफ ले चलो। हाँ वैक्यूम हमें ट्रेनिंग क्लास में ले चलो ब्लूम के पास। ओके शुरू करती हूँ। प्यारे नन्हे सीड्स प्लांट बन जाओ। बन गया। वो वहाँ कैसे पहुँच गई? उन्हें इस ट्रेनिंग क्लास में नहीं घुसना चाहिए था। मैं यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हे जूनियर परी ट्रिक्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने सोचा हम चलकर तुम्हें गुड लक कहते हैं। गुड लक। एंजॉय। अब बहुत हो गया तुम चुड़ैलों का। ये देखो हमें क्या मिला है, एक नन्हा बनी। किसका? खेलना मत। मुझे लगता है ये हमारे लिए काम का हो सकता है। खरगोश मुझे पसंद नहीं, तो चलो मार देते हैं। मुझे लगता है वो सच में उस खरगोश से प्यार करती है। ओ नहीं, ब्लूम कहाँ है? प्रोफेसर कुछ कीजिए। हाँ, वो ब्लूम ही है जिसके पास ड्रैगन फ्लेम पावर है। हमें पता चल गया और अब वो पावर हमारा होगा। किको किको ओ किको, मुझे लगा हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ओ किको, मुझे जल्दी से ब्लूम को वहाँ से निकालना होगा, जितनी जल्दी हो सके। फिक्स इट मालूम। ब्लूम कर दिया। वेल डन ब्लूम। ब्लूम ब्लूम क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं सुन रही हूँ। ब्लूम हम फिर से मिलेंगे मेरी नन्ही बहन। मैं कहाँ हूँ? ये तो अल्फिया कॉलेज नहीं है। मुझे पता है और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम किस लिए? तुम कौन हो? मैं डैफनी हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो ब्लूम, तुम्हें मुझ तक पहुँचना होगा। तुम एक सपना हो। मैं सच हूँ ब्लूम। मुझे ढूंढो ब्लूम, तुम पा जाओगे।
हाँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, मैं जरूर ढूंढूंगी। डैफनी, डैफनी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। डैफनी, ये कोई डरावना सपना नहीं था। मुझे पूरा सपना याद करके बताओ। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन ये सपना था फिर भी सपना नहीं था। आगे बोलो। एक लड़की थी जो मुझे बुला रही थी। या ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हें साइकोमैजिक मैसेज दे रहा है। तुम्हारा मतलब वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है? हाँ, तुम्हारे सपनों के जरिए। उसने मेमोरी वेव से जो जानकारी भेजा है उससे मुझे ये पता चला। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वही है? हाँ, ये डैफनी है। तुम्हें उसका नाम पता है? हाँ, और मैंने उसे कहीं देखा भी है, अपने सपने के बाहर। हाँ, मुझे याद आ गया, जब मैं मैजिक सिटी गई थी उस दिन वो भीड़ से अलग एक ऊंची बिल्डिंग से मुझे देख रही थी। वो सच में लड़की है तो लाइब्रेरी में मिल सकती है। मैं लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए जाऊंगी। डैफनी, वाह बड़ी जल्दी मिल गई, बिल्कुल इंटरनेट की तरह तेज है। देखते हैं। डैफनी, नहीं मुझे उसका मतलब नहीं जानना, मुझे इस नाम की परी के बारे में जानना है। डैफनी परी के बारे में। हे, ये देखो। ठीक है तो डैफनी, वाओ ये तो डोमिनो की राजकुमारी है और मैजिक्स की एक सुप्रीम परी। डैफनी एक सुप्रीम परी? हाँ। याइक्स, एक मिनट रुको। ओ नहीं, अरे रुको एक मिनट। क्लोसस, हाँ, लाइब्रेरी के रिसर्च सिस्टम को चेंज करने का वक्त आ चुका है। मैडम फेरागोंडा। कोई बात नहीं ब्लूम, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो? लगता तो है। अच्छा है, अब तुम जाओ, अपना रिसर्च बाद में कर लेना। थैंक यू मैडम फेरागोंडा। डैफनी सुप्रीम परी, मिस बाबटिया, बुक्स को अलमारी में रख के लाइब्रेरी बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। क्या लाइब्रेरी बंद करूँ? हाँ, और यहाँ जादू का इस्तेमाल मत करना, पता नहीं यहाँ क्या हो सकता है। मैजिक यहाँ कुछ ज्यादा ही पेचीदा चल रहा है मिस बाबटिया। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी रिवन, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे सपने, तुम्हारी हिम्मत, ये सब स्पेशलिस्ट कॉलेज के लिए नहीं है। तुम कुछ इससे बड़ा करोगे, मैं और मेरी सिस्टर्स तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकती हैं। आगे बोलो। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम हमारे साथ आओगे? हमें अच्छा लगेगा। उन बेवकूफ परियों को छोड़कर हमारे पास आ जाओ। अगली सुबह पेरिस के कॉलेज आइफिया में। फ्लोरा तुमने पैक भी कर लिया? मैंने सोचा जरा जल्दी निकल जाती हूँ, कब से अपनी फैमिली से दूर हूँ, बस मुझे उनके पास पहुँचना है। वैसे तो मुझे ये इमोशनल नाटक लगता है, पर तुम सही हो। मैं भी। कुछ हफ्तों के बाद हम यहाँ फिर मिलेंगे। स्प्रिंग ब्रेक एंजॉय करना। ब्रेक। hey, मेरी बच्ची। हाय डैड। हाय ब्लूम। ओ हाय। चलो मैं शॉप पर जा रहा हूँ, रात को डिनर पर मिलते हैं। हाँ, हैव अ गुड डे। मैं घर आकर बहुत खुश हूँ मॉम। मुझे भी अच्छा लग रहा है और मेरी शॉप में हेल्प कर रही हो इसलिए खुश हूँ। सॉरी मिसेस जीव्स, वो फूल खत्म। मॉम, एक बुके बचा था, ये लीजिए। ओह थैंक यू। जादू जानने वाली असिस्टेंट अच्छी होती है। मुझे घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है।
हे, तुमने सुना कुछ? ये आवाज अंदर से आ रही है, जल्दी करो, चलो। यहाँ पर तो एक बेबी है, मैं आ रहा हूँ। इधर आ जाओ मेरी बच्ची। ओ तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। आग! ब्लूम, क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? ओ तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैंने सपने में आपको आग से एक बेबी को बचाते हुए देखा और आपने ऐसे ही कहा था, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो बच्ची कौन थी? ओ ब्लूम, तुम अब सोने की कोशिश करो, हम सुबह बात करेंगे। ये बस एक सपना नहीं था, है ना? ये सच में हुआ था और मेरे साथ हुआ था। मुझे सच जानना है, मुझे सच बताइए। वैनेसा। हाँ माइक, अब सब कुछ बताने का टाइम आ ही गया है। क्या क्या बताने का टाइम? सब कुछ। जिस बेबी को तुमने सपने में देखा, हाँ? वो बेबी तुम थी। 16 साल पहले मैंने तुम्हें एक आग से बचाया था। आग से? मैं आग में क्या कर रही थी? ये हमें नहीं पता बेटा, तुम्हारे डैड को तुम आग में मिली। ये चमत्कार से कम नहीं था, हर तरफ आग फैली हुई थी, पर आग तुम्हें छू नहीं रही थी, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया तुम उस बिल्डिंग में गई कैसे, तुम एकदम अकेली थी लेकिन डरी हुई नहीं थी। हमें पहले से पता था कि तुम्हारे अंदर कोई जादुई बात है। तो क्या इसका मतलब मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ? ब्लूम, आपने मुझे गोद लिया है, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हम बताने ही वाले थे ब्लूम, हम चाहते थे जब तुम बड़ी हो जाओगी और सब कुछ समझने लगोगी तब हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन उसके पहले ही सब बदल गया। फेरीज, ओगर, मैजिक स्कूल, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमें समझ नहीं आया कि क्या करें, और इसी में बात रह गई। हम तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहते थे, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हमने जब से तुम्हें देखा है हमें बस तुमसे प्यार हो गया और हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। तुम हमेशा हमारी बेटी ही रहोगी। हाँ, हमेशा। I love you, Dad and Mom. Hey! कितने दिनों बाद मिले हो? तुम्हारा वैकेशन कैसा था? बहुत ही मजेदार, लेकिन बहुत छोटा था। साइड मत हो ब्लूम। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन याद रखो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें चुना है और वो तुम्हें प्यार करते हैं, तो देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। पता है, लेकिन मेरे मन में कई सवाल है। सवाल किस बारे में? अगर मैं एक परी हूँ तो मैं आखिर धरती पर पहुँची कैसे, और ये भी जानना है कि मेरे असली पेरेंट्स कौन है, क्या मेरा पावर उनसे ही मिला है? हाँ, ये तो सच में कई सवाल हैं। पक्का तुम इनके जवाब जानना चाहती हो? मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। विंग्स, क्या हेल्प करोगी? हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, मैं भी साथ हूँ। वादा करते हैं, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, है ना विंग्स? हाँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ ब्लूम, मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी। स्प्रिंग ब्रेक से पहले लाइब्रेरी में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। मुझे पता है कि तुम डैफनी के बारे में जानना चाहती हो। डैफनी?
हाँ। डैफनी मैजिक्स की एक सुप्रीम फेरी थी। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। आ जाओ। हाँ? वाओ। डैफनी यहाँ रहती थी इस झील की गहराइयों में। ओह, हाँ? आओ। आगे जाओ ब्लूम, डरो मत। के बारे में बस इतना ही जानती थी, उम्मीद है ये काफी है। लेकिन मुझे और जानना है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है तुम जो करना चाहती हो वो खतरनाक है, इसलिए अब इस बारे में छानबीन बंद करो। इस दौरान क्लाउड टावर में चलो उसे उड़ा देते हैं। हाँ? अब हम रुक नहीं सकते। पता है ना, ब्लूम मैजिक ग्रह की सबसे ताकतवर परी है। पता है सिस्टर्स, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से कदम उठाना होगा। ओह, हम उसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, ये बेवकूफी होगी। तुम हमेशा उनके साथ बुरा करने की क्यों सोचती हो, वो इतनी बुरी भी नहीं है। क्या कहा तुम, हमसे कुछ कह रही थी? मेरा मतलब है कि हम उनके साथ दोस्ती भी तो कर सकते हैं। स्वीट। माता, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? लेकिन लूसी, सारा क्लाउड टावर तुम पर हंस रहा है। कितने शर्म की बात है, ये ट्रिक्स बहुत ही बुरी है। मुझे ट्रिक्स पसंद है और मैं उन जैसी बनना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसी नहीं। वो बदमाश बुरी ट्रिक्स लूसी को अपने जैसा बना रही है। मुझे कुछ करना होगा। लूसी और मैं हमेशा से फ्रेंड्स रहे हैं और ट्रिक्स हमारी दोस्ती खराब नहीं कर सकती। मेरे पास भी पावर है। सिस्टर्स, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम ब्लूम को उल्लू बना सकते हैं। उसे हम एहसास दिलाएंगे कि वो भी एक चुड़ैल है, परी नहीं, और फिर जैसे ही वो अपने स्कूल से अलग हो जाएगी हम उसके पावर को ले लेंगे। ओ नहीं, ये बुरी बात है। मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा। ट्रिक्स ने मेरी फ्रेंड लूसी को छीना है। मैं उनसे इसका बदला लूंगी। मैं उनके प्लान के बारे में ब्लूम को सब कुछ बता दूंगी। हम सबने कोशिश की लेकिन सबके सब गिर गए, और फिर हमने उठने की कोशिश की लेकिन। ब्लूम, तुम मुझे सुन रही हो क्या? बात क्या है? सॉरी मैडम, फेरागोंडा ने जो कहा उसके बारे में सोच रही थी। मुझे पता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चीजें बदल गई हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम असल में मैं हूँ कौन। मेरे मन में बहुत से सवाल मुझे हैं। बताओ, शायद मैं उन सवालों के जवाब ढूंढ सकूं। पता है, मैं डैफनी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। वो कौन है, मुझसे क्या रिश्ता है? लेकिन फेरागोंडा ने इसके लिए तुम्हें मना किया हुआ है। अगर मैं उसे इस लाइब्रेरी में नहीं ढूंढ सकती तो मुझे लगता है मैं उसे क्लाउड टावर की लाइब्रेरी में ढूंढूंगी। तुम क्लाउड टावर में घुसना चाहती हो? ओके, मैं हेल्प करूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
दोस्त इसलिए तो होते हैं। क्लाउड टावर लाइब्रेरी मैजिक्स ग्रह में वो लाइब्रेरी जादू की किताबों का सबसे बड़ा कलेक्शन रखती है। ब्लूम को वहाँ जाना ही है, तो बताओ कि कौन सी किताब वहाँ खोजनी चाहिए। वहाँ एक ऐसी किताब है जिसमें हर बात का जवाब मिलता है, तो मैं बस उससे पूछता है। ये सही लगता है। हाँ, लेकिन क्लाउड टावर में घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। देखो ब्रैंडन, मैंने ब्लूम से वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना है। ठीक है स्काय, जो चाहे करो, बाद में ये मत कहना मैंने बताया नहीं था। मैं तुम्हें बता सकता हूँ किताब कैसे मिलेगी। क्या बात है। इस खबर को सुनकर कोई तो बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। डार्सी, रिवन, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है तुम्हारे लिए। वाह, बढ़िया। जिमी ने उसे खास किताब के लिए कहा है जिसे हमें खोजना है। हाँ, और लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरे साथ आने के लिए थैंक्स गाइस। लगता है वो यहाँ है। ब्लूम, एक बार सोच लो, तुम्हें पक्का ये करना है। हाँ, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। स्काई, ये कितनी बड़ी जगह है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। टिमी ने कहा था वो किताब देखते ही हम उसे पहचान लेंगे। लगता है यही वो किताब है जो हमारे हर सवाल का जवाब देती है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। तुम हमारी तरह एक चुड़ैल हो ब्लूम। ओह स्काई, क्या हुआ, तुमने क्या देखा ब्लूम? मैंने तीन बूढ़ी चुड़ैलों को देखा और वो कह रही थी कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम चुड़ैल हो? ओह नहीं स्काई, मेरे चुड़ैल होने से तुम्हें इतना फर्क पड़ता है। स्काई, ओ स्काई। खैर, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, मैं एक चुड़ैल हूँ तो। मैं तुम्हें वापस अल्फिया ले जाऊंगा ब्लूम। नहीं स्काई, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज जाओ। मैं इतनी देर तक सोती रही। मैं तुम्हें जगाने नहीं आई हूँ, मुझे चिंता हो रही है। ब्लूम रात भर से गायब है और अब तो सुबह हो गई है। सच में? हाँ, हमने हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। हमें उसे अच्छे से ढूंढना होगा गर्ल्स, अभी। सुबह भी हो गई और मैं अल्फिया से बहुत दूर हूँ। बेहतर होगा अब आगे की सोचूं। मेरी पावर बता रही है मुझे इतना दूर नहीं आना चाहिए। कुछ महसूस हुआ, शायद ये वही है। हे, वहाँ कौन छुपा है? कौन हो तुम? हाय, मैं मर्टा हूँ। हाय, मैं ब्लूम हूँ। मैं जानती हूँ। जानती हो? मैं तुम्हें ही खोज रही थी, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ट्रिक तुम्हें उल्लू बनाने वाली है। जादू का शो ऑफ करना बंद करो स्टॉमी, वरना जंगल में आग लगा दोगी। सिस्टर्स, हम यहाँ ब्लूम को खोजने आए हैं, इसीलिए उसी पर ध्यान दें तो बेटर होगा। सॉरी आई सी। ओके विंग्स, अब हमें ब्लू को ढूंढना होगा, वो भी जल्द ही। और ऐसा हम सिर्फ अपने जादू से कर सकते हैं। एकदम सही। Shining Sun! Flora, Nature ke Pari! We'll be right back.
से की परी। टेक्ना, टेक्नोलॉजी की परी। चलो अब चलते हैं। किस तरफ गई होगी वो? Well, मुझे लगता है कि ब्लूम कहीं आसपास ही है, शायद इसी तरह की जगह पर। तुम्हारा मतलब घास में है? सुपर पोलन। ये देखो दोस्तों, ब्लूम उस तरफ गई है और मुझे इस घास पर पूरा भरोसा है। उसके लोकेशन ढूंढकर मार्क करना होगा। अल्ट्रासोनिक प्रोब। स्कैन पूरा हो गया। मैं डेटा ले रही हूँ। ठीक है, मिल गया। मुझे पता चल रहा है कि एक परी यहाँ पर है। ग्रेट, तो अब मुझे अपना फेवरेट काम करना होगा। हर तरफ रोशनी करनी होगी। राइजिंग सन। दोस्तों चलो, अब मैंने हर तरफ रोशनी कर दी है। एक काम के लिए हमारे पास पूरा दिन नहीं है। चलो। ट्रिक्स तुम्हें झूठ बताना चाहती है कि तुम एक चुड़ैल हो। अच्छा, तो मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे उल्लू बनाया। ये इतनी बुरी कैसे हो सकती है? अभी बताते हैं कि हम इतने बुरे क्यों हैं। हमने तो बस ऐसे ही मजाक में ऐसा किया था। जब हमने तुम्हें स्मिता के साथ घूमते देखा, जो चुड़ैलों के नाम पर कलंक है, जो परियों से दोस्ती करती है क्योंकि इसे कोई चुड़ैल पसंद नहीं करती। तुम बुरी हो ट्रिक्स, बहुत ज्यादा बुरी। बुरी नहीं नहीं नहीं, हम तो खतरनाक हैं। मीटा, तुमने हमारे सारे प्लान्स को खराब किया है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाउ स्वीट। अब चलो नीचे चलकर ब्लूम के दिल से उसका सारा पावर ले लेते हैं। उन्हें हाथ भी मत लगाना। पहले मैं तुम्हें देखती हूँ, स्ट्यूपिड परियों। ब्लूम, मैजिक विंग्स, चैमिक्स। रुक जाओ, रुक जाओ। उसने मेरे जादू को तोड़ दिया। ये अच्छा नहीं हुआ। अब बहुत हो गया मीटा, तुम हमारे बीच में टांग अड़ाने लगी हो। अब हमें कुछ करना ही होगा। शायद थोड़ा सा कुछ तो करेंगे। क्या हुआ? ब्लूम कहाँ है? वो गायब हो गई। फिर से नहीं यार। हे, मैं यहाँ हूँ ब्लूम। हेलो। तुमने तो ट्रिक्स की सच में अच्छी खबर ली। हाँ, लेकिन उन्होंने मर्टा का क्या हाल कर दिया है, बेचारी। आईसी का जादू काला जादू होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। इसे अल्फिया ले चलते हैं।
मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं स्काई के बारे में सोच रही हूँ। क्लाउड टावर में जो कुछ हुआ उसके बाद उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं उसे कॉल करूं? कोई फायदा नहीं है। उसे लगता है मैं एक चुड़ैल हूँ इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। कीको, तुम्हारी सलाह गलत थी। इस बीच रेड फाउंटेन में मैं तुम्हें देख लूंगा स्काई। सब बहुत अच्छा चल रहा है कोडा टोटा। ये बहुत बढ़िया शो होने वाला है सलाडिन। मुझे इस ड्रैगन प्रदर्शनी से बहुत उम्मीदें हैं। मैं और मेरे लड़के सबको हैरान कर देने वाले हैं। रेड फाउंटेन को अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। मैंने बहुत सारे बड़े लोगों को बुलाया है। ब्लूम, मैं स्काई बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी तुम्हें फोन नहीं कर पाया। मैं होने वाली प्रदर्शनी की ट्रेनिंग में बिजी हो गया था। ओह, कोई बात नहीं। मैं तो बस तुमसे यही कहना चाहती थी कि मुझे पता चल गया है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। हमारे साथ किसी ने मजाक किया था। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिक्स मुझे पकड़ना क्यों चाहती है। उन्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या हम मिल सकते हैं आज या फिर प्रदर्शनी में? प्रदर्शनी में? हाँ, क्या कहते हो? सॉरी ब्लूम, लेकिन ये सिर्फ VIP लोगों के लिए है। मुझे अब जाना होगा। मैं क्या करूँ? टिमी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या मुसीबत है? ब्लूम और डियास्प्रो के बारे में। डियास्प्रो से मेरी शादी हो रही है लेकिन मैं ब्लूम से प्यार करता हूँ। अच्छा, हर मुसीबत से डील किया जा सकता है। मुझे जरा सोचने दो। डियास्प्रो आज यहाँ आने वाली है ना? हाँ, तो मतलब तुम उसे साफ साफ सब कुछ बता दो। साफ साफ क्या बता दूं? यही कि तुम किसी और से प्यार करते हो, ब्लूम से प्यार करते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन ये तो बेवकूफी है। हाँ? ओ ब्लूम, मेरी बात सुनो। समझ से काम लो। आखिर चल क्या रहा है? ब्लूम को रेड फाउंटेन में लड़कों के एग्जीबिशन में जाना है। क्या इसे इनविटेशन मिला है? नहीं मिला है, यही तो प्रॉब्लम है। ब्लूम फिर तो नहीं जा सकती। यही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन मुझे स्काई से आमने सामने बात करनी है। क्योंकि तुम्हें वो पसंद है? नहीं स्टेला, हम बस दोस्त हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का पागलपन करने की कोई जरूरत नहीं। वो मुझे पसंद है लेकिन वो क्या सोचता है ये भी जरूरी है, इसलिए बात करनी है आज। ठीक है ब्लूम, हम मदद करेंगे। हे लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम बस यहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं। हे, रुको, किधर जा रहे हो? रुक जाओ। ओ नहीं, मैं उन्हें नहीं पकड़ पाया। ये सारी बाल अपराधी लड़कियाँ। माफ करना, लगता है यहाँ आकर गलती कर दी मैंने। डियर्स प्रो, रुको। ये कौन है? स्काई, ओ स्काई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है, आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। डियर्स प्रो, इसका बॉयफ्रेंड? एक और ट्रिक। ये बदमाश चुड़ैले कभी भी नहीं सुधर सकती।
तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, बस थोड़ी खरोचे हैं। बहुत हो गया रेवेन का। क्या देखोगे? हे दोस्तों, ये टाइम इसके लिए नहीं है, हमें ड्रैगन शो भी करना है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। क्या चाहिए तुम्हें? तुम कहना क्या चाहती हो? इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। ब्लूम मैजिक विंग्स जैमिक्स या पता नहीं तुम चाहती क्या हो, लेकिन अगर लड़ना ही है तो मैं हूँ डियास्प्रो प्रिंसेस। तुमने मुझे ललकारा है। बस इतना ही? अभी तो मैं दिखाती हूँ जो कर कहेगी। तुम्हें तो मैं इससे पहले हमारे बीच जो भी हुआ उसे तुम नाराज तो नहीं हो ना? कह रिवेन, जब कह ही दिया है तो चलो हो जाए। हाँ? हिसाब बराबर हो गया। अच्छा, ये बेवकूफ क्या कर रहे हैं? ये ड्रैगन शो है, ड्रैगन फाइट नहीं। ये पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, जाओ। हाँ? ये क्या? अभी भी जी नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हारा जी भर गया? तुम्हारा दिमाग खराब है। यस प्रो। ओह नो। स्काई, स्काई, आखिर तुम चाहते क्या हो? हा? स्काई और मेरी शादी होने वाली है। रुको रुको, ब्लूम ब्लूम मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स में से एक है ना फेरागोंडा? जी हाँ है। तो इसने मेरी प्रदर्शनी को बर्बाद कर दिया। मैं माफी मांगती हूँ सर सलाडिन। चलो कम से कम सिर्फ मेरी स्टूडेंट्स ही इस तरह बिहेव नहीं करती। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने आप को बेवकूफ बना दिया। मैजिक्स में सबके सामने क्या कर दिया? और स्काई, मुझे लगा था कि, लेकिन वो तो उस डियास्प्रो के साथ। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती।
एम सॉरी। चलो यहां से चलते हैं, चलो। गुड बाय। तुम सबको बहुत मिस करूंगी फ्रेंड्स। गुड बाय मैजिक्स। उसने कहा गुड बाय और वो गायब हो गई। वो हमेशा के लिए गई। वाह परफेक्ट। गार्डिनिया का मौसम इस समय अच्छा रहता है। कोई बात नहीं है ब्लूम, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने जो भी फैसला लिया है हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने आपको निराश तो नहीं किया ना? ओ ब्लूम, तुम जो करोगी वो अच्छा ही करोगी, हम निराश नहीं होंगे। थैंक यू मॉम डैड। हैरान हो गई। माँ डैड, तुम ये हमारे साथ क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती सच में मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। इनको बाय कहो ब्लूम। नहीं ब्लूम, मैजिक स्विंग्स। Yeah! Wow, Dad! Oh! I'm out of here! Oh!
सच में बहुत ही बेवकूफ हो तुम। हार मान लो ब्लूम, तुम हमसे नहीं जीत सकती। तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुम्हारा पावर चाहिए। तुम्हारे पास जो ड्रैगन फ्लेम का पावर है वो चाहिए। हमारी पूर्वज चुड़ैले मानती हैं कि ये पावर मैजिक्स ग्रह का सबसे बड़ा पावर सोर्स है जो कि तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम्हारी वो दुखी सिस्टर डैफनी। क्या डैफनी मेरी सिस्टर है? कहानी ये है कि तुम्हारी बहन तुम्हें हमारे पूर्वजों से बचाने के लिए यहाँ गार्डनिया लेकर आ गई, क्योंकि हमारी चुड़ैलों ने तुम्हारे राज्य को बुरी तरह तबाह कर दिया था और तुम्हें ड्रैगन फ्लेम पावर के लिए ढूंढ रही थी। लेकिन डैफनी ने उन्हें नहीं बताया कि तुम कहाँ हो, तो उन्होंने डैफनी को मार दिया। अब तुम हमें ड्रैगन फ्लेम पावर वापस दो, वो हमारा है तुम्हारा नहीं, है ना सिस्टर्स? बिल्कुल। मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा करो। असल में तुम मैजिक्स ग्रह की गार्डियन परी थी, अब नहीं रही। तैयार हो सिस्टर्स? और अब सिस्टर्स हम ब्लूम के पावर को ले लेंगे। वैक्यूम! ड्रैगन फ्लेम पावर हमारा है। सिस्टर्स चलो अब चलते हैं। ट्रिक्स ड्रैगन फ्लेम ले गई।